मेरे मौला करम करम, ये जमीन और ये आसमां तेरे कब्जे में है, दो जहां सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे डर से जाए कहां, तू ही मेरे मौला करम करम। और भूल बैठे हैं तेरा कहां, तूने कुरान में जो लिखा, आज है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे मौला करम हो करम। बख्शे रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ आपका होस्ट सलमान शेख, और मैं हूँ नुसरत मुगल। एंड सलमान की भी ये फरमाइश थी आज, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं देखने वाले, उनकी भी फरमाइश थी कि एक इस खूबसूरत से कलाम से आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये और जितने भी कलाम हैं वो सब हमारे दिलों के बड़े नज़दीक हैं, और जब सुनते हैं तो वाकई एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है, आपके रोंटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं अगर आप दिल से सुने और महसूस करें कि वाकई सलमान इसमें जो अल्फाज हैं कि वाकई भुलाए बैठे हैं अल्लाह मियाँ के कहने को, नाफरमानियों की तरफ हम जाए जा रहे हैं। अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। आज का प्रोग्राम भी बहुत स्पेशल होने वाला है, चूँकि आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ गेस्ट होंगे, और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ वक्तन फवक्तन गेस्ट आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन एक गेस्ट ऐसे हैं जो हमारे साथ रहेंगे टिल दी एंड। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं एम डॉट ट्रैवल्स के सेट से, तो सबसे पहले तो उनका बेहद शुक्रिया, साथ साथ एस एस ऑटो केयर का बहुत बहुत शुक्रिया हमें स्पॉन्सर करने के लिए, और यूट्यूब पर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं माई टी वी के चैनल से, तो उनका भी बेहद शुक्रिया। सलमान, आज के गेस्ट का तारुफ मैं चाहती हूँ आप करें। मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो गेस्ट है नुसरत, लास्ट टाइम ये हमारे प्रोग्राम में आए, और जितने भी फैंस हैं उनकी फरमाइश पर हमने इन दफा दोबारा मधु किया, और बहुत एक और मैटर के साथ एक और ऐसा सीरियस टॉपिक है बिल्कुल जो डिस्कस उनसे हम करेंगे, तो डॉक्टर अकील राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा आने के लिए बेहद शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। हम लोगों की बहुत फरमाइश थी कि डॉक्टर साहब को दोबारा बुलाया जाए। बिल्कुल, आजकल जाहिर है जो रमजान चल रहे हैं और फिर लोगों को मसले मसाइल है खाने पीने के और शुगर की दवाई खाने से, तो इसलिए लोगों की ख्वाहिश है कि चलो दोबारा सुने जाए और अपनी क्वेरी को पूछी जाए। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे पास जो फेसबुक के जरिए हमारे पास जो क्वेश्चंस आए उनमें एक सरे फहरिस्त क्वेश्चन ये था कि जब आप लास्ट टाइम आए थे तो हमने बात की थी कि आप रोजे की हालत में डायबिटिक पेशेंट्स क्या क्या खा सकते हैं, कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कम इस्तेमाल करें या ज़्यादा करें, लेकिन अब एक ऐसा टॉपिक है आज हम जिस पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो पेशेंट्स इंसुलिन की तरफ चले जाते हैं, तो आप सबसे पहले तो उनको ये गाइड कीजिए कि इंसुलिन किस तरीके से वो लगाएं या किस तरीके से इंसुलिन का यूज करें। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि लोगों को परेशानी होती है जो इंसुलिन, पहली बात तो कि जो इंसुलिन लेते हैं मरीज, लोग ये समझते हैं शायद इंसुलिन आखिरी इलाज है। बिल्कुल आखिरी इलाज नहीं होता, बल्कि आजकल तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है कि ये जो आप स्टार्ट ही करें इंसुलिन से, क्योंकि शुगर क्या होती है, शुगर पैनक्रियाज होता है जिसको हम लबलबा कहते हैं, वो खराब हो जाता है या खराब होने की तरफ जा रहा होता है,
जिससे शुगर मतलब ये कि आपकी इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाती है और शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब ये कहा जाता है कि इंसुलिन आप दे दें तो उससे क्या जितने लबजब आपका ख़राब है इंसुलिन देने से कि आपकी जो इंसुलिन की कमी है उसको पूरा कर देता है। अच्छा अब लोग ये समझते हैं शायद पता नहीं इंसुलिन आखिरी इलाज है, आखिरी इलाज नहीं है नंबर एक। दूसरा जो आप जैसे इंसुलिन वाले लोग जो इंसुलिन लगाते हैं उनको रोज़ा कैसे रखना है जी। इसी तरह जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि जो रात सुबह का डोज रात में लेना, रात का डोज सुबह लेना, इसी तरह इंसुलिन का भी यही ताल्लुक है। इंसुलिन तो देखो बहुत किस्म की इंसुलिन आती है, सुबह शाम वाली भी आती है, एक टाइम वाली भी आती है, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंसुलिन ले रहे हैं, ठीक है ना। मगर मैं आपको बता दूं कि वैसे भी अगर दो टाइम वाली इंसुलिन ले रहे हैं तो उसी तरह ही अगर मिसाल है आप सुबह 10 लगा रहे हैं आम रूटीन में और शाम को 6 लगाते हैं तो रमज़ान में जो रमज़ान जो चल रहे हैं इसमें सुबह आपने 6 लगानी और शाम को 10 लगानी है। अच्छा फिर आप कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं आप कि डॉक्टर साहब ये मिसाल है कि मेरी जो 300 शुगर आ रही है मैं कितनी इंसुलिन लगाऊँ, तो बहुत अच्छा सा एक थोड़ा आसान तरीका है। एक 300 अगर शुगर आई है आप उसको ऐसे तो कैलकुलेशन की जाता है अलग चीज़ है, एक नॉर्मली जो घर में आप कर सकते हैं कि 30 अगर 300 यूनिट है उसमें से 0 हटा दे तो 30 रह जाता है, ठीक है। 30 और 30 को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में, ठीक है। यानी कि 10 10 10 फिर बन गए 30, इसमें से 2 मिला के यानी कि 20 लेनी है शाम में रमजान में, ठीक और है। 10 लगानी है सुबह, हमेशा सुबह के टाइम आपको कम डोज लेना ताकि दिन में हाइपोटेंशन ना हो जाए या हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए आपका, तो इसलिए ये जो इसका। अच्छा डॉक्टर साहब इसके साथ साथ अगर इंसुलिन पेशेंट ले रहा है और अगर शुगर लेवल मेंटेन भी है तो क्या इंसुलिन खत्म कर सकते हैं? नहीं इंसुलिन खत्म नहीं कर सकते, वो जो इंसुलिन जो आप ले रहे हैं ना है। वो आपके अंदर जितनी इंसुलिन की कमी उसको बैलेंस कर देते हैं आप, तो ये लाइफ टाइम चलता है। तो ये देखो आप शुगर से मजाक नहीं कर रहे, शुगर क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम करती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब लास्ट टाइम भी आपने ये इन्फॉर्मेटिव बातें जो है वो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई थी और अभी बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि बाकी हैं और बहुत ऐसे गेस्ट भी हैं हमारे जो कि हमारे साथ प्रोग्राम में और भी शामिल होंगे। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, बख्शीश रमजान के साथ रहिए। बाद एक बार फिर से आपको बख्शीशे रमजान में खुशामदीद कहते हैं। सलमान हम हमेशा इतने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं बख्शीशे रमजान की फैमिली का हिस्सा बनना तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के थ्रू, हमारे यूट्यूब के थ्रू, और हमें आज बड़ी खुशी है कि वाकई फेसबुक के थ्रू हमसे एक बहुत ही मोतबर शख्सियत जुड़ी हैं जिन्होंने आज यहाँ बख्शीशे रमजान के सेट पे आके और चार चांद लगा दिए हैं और उनकी खूबसूरत आवाज भी हम आपको सुनाएंगे। सलमान मैं चाहूंगी कि आप उनके बारे में बताएं। मैं उनके बारे में बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन उनके साथ साथ अगर इजाज़त हो नुजरत की तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलता हूँ, क्योंकि अभी प्रोग्राम के दौरान ही हमें मैसेजेस आए जिसमें उन्होंने सवाल किया, डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा होम रेमेडी यानी कोई ऐसा टोटका, आजकल आप मैं सुनने में ये भी आ रहा है इंटरनेट में कि बेसन की रोटी खा लें तो आपका शुगर सेट है। नहीं नहीं वैसे इसके बारे में क्या ऐसी देखो फेक बातें ऐसे नहीं होता कि टोटके तो बहुत आते हैं कि आप लहसुन खा लें, अदरक खा लें या बेसन खा लें इससे आपकी शुगर ठीक है, नाम है उनके सवाल, ये बहुत नहीं ये ज्यादती है। आप प्रॉपर अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक चलें, प्रॉपर डोज लें, प्रॉपर इंसुलिन लगाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी और डॉक्टर से ही मशवरा करें। जी हाँ बिल्कुल, यानी नेट के ऊपर ना करें। बिल्कुल ऐसा आप लोगों को करना चाहिए कि अगर आपने कोई रेमेडी देखी भी है तो उसको अपने डॉक्टर से शेयर कर लें, तो वो आपको बेटर प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि आप उस रेमेडी को यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते, या फिर आप डॉक्टर की जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं। तो हमारे साथ जो मैंने बताया कि फेसबुक से जिन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया और आज बख्शीशे रमजान की फैमिली का हिस्सा है सलमान हाजी मोहम्मद रमजान मुबारक सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बख्शीश रमजान में। हम चाहेंगे कि बिना टाइम निकाले हम आपकी तरफ चलते हैं और आपसे नाते रसूल अकरम सल्लु अलैहि
यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बख्शीश रमजान के साथ।
ट्रांसमिशन में, जैसा कि आपने देखा कि फेसबुक से हमें लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और वो भी बख्शिश रमज़ान फैमिली का हिस्सा बनते हैं, तो आप भी बख्शिश रमज़ान फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे पहले प्रोग्राम में हम आपको बता चुके हैं कि हमने ये तस्करा भी किया था कि सलमान इंसान को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, तो हम भी आगे बढ़े। और आज का ये जो आप पूरे रमज़ान से देख रहे हैं हमारा जो सेट है जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपको हमेशा हर प्रोग्राम में बताती हूँ कि एम डॉट ट्रैवल एंड टूर्स का ये ऑफिस है जहाँ पे जिस सेट से हम अपना प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि उस पर्सनैलिटी को ही अपने प्रोग्राम में दावत दे देनी चाहिए जिनकी वजह से हम इस सेट पर मौजूद हैं। बिल्कुल नज़र सही कह रही है कि जिनका इंतजार भी हमें था और लोग भी कह रहे थे कि वो कौन है जो आने रहे, जिनका नाम हो रहा है हमारे दरमियान, मोहम्मद बिन यूसुफ साहब मौजूद है। और मोहम्मद भाई आपके पीछे ही आप देखें ट्रैवल लिखे हैं, तो ये एक अच्छे इत्तेफाक कहने से कैसे गुजरा रमजान आपका? और सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने बख्शिश रमज़ान को आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो लोगों तक कन्वे कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच। मैं इस सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस नेक काम के लिए, इस अच्छे काम के लिए आपने इस जगह को सिलेक्ट किया। बहुत शुक्रिया। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि आजकल लॉकडाउन में ट्रैवल का काम तो बिल्कुल ही वाइंड अप हो गया, तो आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि कैसा चल रहा है आजकल बिजनेस आपका? अल्लाह का शुक्र सही चल रहा है। बहुत अच्छी बात की। तो आजकल इसके अलावा क्या चल रही है मसूफिया का? बस इसके अलावा जो है थोड़ा रियल एस्टेट का कुछ काम है, उसमें लगे हुए हैं, रेंट कार के हवाले से कुछ वर्किंग है, ये साथ साथ इसकी कर रही है। तो तीन चीजें एक साथ मैनेज हो जाती हैं? हमारे पास एक सवाल और एड ऑन हुआ है जो कि फेसबुक पे हमसे पूछा गया है कि जो लोग इंसुलिन लगाते हैं वो साथ साथ मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल अच्छा सवाल है कि जो लोग इंसुलिन लगाते हैं उनको आपने पूछा कि वो लोग मेडिसिन यानी कि गोली तो भी इस्तेमाल करनी चाहिए। देखो ये तो वैसे डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ठीक है ना, कि किस पेशेंट को इंसुलिन ऑनली रखनी है, किस पेशेंट को टैबलेट और इंसुलिन रखनी है, ठीक है ना। जो टैबलेट और इंसुलिन उसको हम कहते हैं बेस्ट थेरापी, तो उसमें वो रात सुबह हम उसमें देते हैं मेडिसिन ओरली और रात में हम देते हैं इंसुलिन। तो इस तरह के जो पेशेंट थोड़ा सा टिपिकल क्रिटिकल होते हैं ये लोग, तो ये इनकी जिनकी जो ओरल ले रहे होते हैं वो टैबलेट वो उनके थोड़ी सी जो हमारा टारगेट अचीव नहीं होता, हम और फिर उनको इंसुलिन खिलाते हैं। मगर अगर आप इंसुलिन ये ना सोचें कि मैं इंसुलिन लगा रहा हूँ तो बस इंसुलिन ही लगाऊँ, नहीं है तो बहुत गलत हो जाएगा ना। तो ये आपको मेडिसिन जिस तरह डॉक्टर ने प्रॉपर जो तरीके से बताई है तो वो आपको उसके मुताबिक इंसुलिन और उसके मुताबिक मेडिसिन लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि जो पेशेंट डायबिटिक हैं उनके साथ साथ जब वो चेक कराते हैं तो बीपी का लेवल भी हाई हो जाता है? बिल्कुल, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जिस मरीज को शुगर होती है उसको फिर ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, उसको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसमें बीमारियाँ आती हैं, एक तो फैमिली हिस्ट्री होती है, सही। अगर आपकी मदर या फादर को शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो फिर समझो आपको बीमारी आएगी, तो आपने उससे बचना कैसे? जी। आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आपको लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है। जैसे आजकल लोग जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो चिप्स वगैरह ये, तो इस बच्चे खाते पर आस पास उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ना बच्चों की, बच्चों क्या बड़ों की भी नहीं फिजिकल एक्टिविटी, तो उससे फिर डायबिटिक होने का अंदेशा भी है। डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं डायबिटिक पेशेंट जो इम्पोटेशन के करीब जाते हैं और इम्पोटेशन के बाद आप क्या रिकमेंड करते हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी टांगें फुट बच जाती हैं तो उनको आप क्या रिकमेंड करते हैं मेडिसिन के अलावा? देखिए असल में क्या हो गया, जब पहले हमारा यही थोड़ा नज़रिया होता है कि भाई अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करो अदरवाइज आपकी जो नुकसान होगा, अब नुकसान से मुराद ये कि अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है आपके पाँव में जख्म आ जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। अब आस्ता आस्ता वो जख्म आप केयर भी नहीं करोगे तो वो जख्म जो ब्लैक नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है ना, फिर वो आपकी नेक्रोसिस जब होगी फिर आपकी इम्पुटेशन होनी पड़ेगी, तो इम्पुटेशन उससे क्या एकदम तो नहीं सारी लात या पाँव काटना पड़ेगा, उसके लिए हमें वो देखना पड़ेगा जो एरिया से इन्वॉल्व हुआ
उसको हम रिमूव करेंगे, उसके लिए फिर नेक्स्ट टाइम हम उसको चप्पल बनवा कर दे देंगे उसका, ठीक है। वो चप्पल ये होती है कि जो एक तो नॉर्मली जो चप्पल मिलती है उसको हमने इस्तेमाल नहीं करना, एक मेडिकेटेड चप्पल होती है, सोल की, जी जी सोल की बात कर रहा हूँ, जब मतलब मैं तो वो रिकमेंड करता हूँ, फिर सोल उसको उसके मुताबिक वो लोग उनका जो सोल बना देते हैं आप वो इस्तेमाल करते हैं, और वो जो बनाते हैं ऐसे तो आर्थो वाले कियर वाले हैं। बिल्कुल, उनके साथ साथ हम सर आपके सामने बैठे हैं। और बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो हमें इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में याद रखा कि आप जरूर रेकमेंड करते हैं। तो जी, एवरी डॉक्टर शुड बी रेकमेंड एसएस ऑर्थो केयर, और ये ना समझे कि हम उन पेशेंट की केयर नहीं करते हैं जो अफोर्ड नहीं करते हैं। अगर कोई अफोर्ड नहीं करते हैं तो जरूर हमसे रब्ता करें। हम डॉक्टर्स को भी कहते हैं कि हम उनके लिए भी अपनी जात से जो हो सका, लोगों से हो सका, हम उनके लिए हेल्प जरूर करें। अच्छा, मोहम्मद भाई की तरफ आते हैं, क्योंकि इतना बिजनेस माशाल्लाह से ट्रैवल, इसके साथ रियल स्टेट और साथ में रेंट अ कार भी, तो रमजान कैसा गुजरता है आपका? रमजान में बहुत अच्छा गुजरता है। रमजान में ये कि वैसे तो काम नॉर्मली स्लो ही होता है, जी जी, ज्यादातर तो फोकस इबादत की तरफ ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी ये कि फिर उसके बाद रमजान के बाद एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, ऐसा ही होता है, क्योंकि ईद के करीब करीब एक्टिविटीज बढ़ जाती है। तो भाभी तो कहती होंगी कि 3 दिन बिजनेस है, तो पूछती होंगी ना कैम्प ट्रैवल का, बताएंगे बस 28 तारीख को क्या हुआ, रेंट अ कार का, ऐसा हो रहा है? नहीं, असल में घर के मामला घर तक है और बिजनेस के मामला बिजनेस तक है, तो वो दोनों चीजों को अलग अलग रखें तो बेहतर है। तो मौदी, मैंने सुना है कि आप कुकिंग भी करते हैं, मैंने सुना है। हाँ, ऐसा है, लेकिन ऐसा है जब टाइम होता है तो ये तो क्या चीज़ है जो आप अच्छी, क्योंकि डॉक्टर साहब लास्ट टाइम आए थे जब हमारे पास, तो डॉक्टर साहब से पूछो, डॉक्टर साहब ने कहा था मैं समोसे बहुत अच्छे बनाता हूँ, तो अब आप बताइए कि क्या चीज़ ऐसी जो आप अच्छी बनाते हैं। आप दोनों का, आप दोनों ने हमें टाइम दिया, डॉक्टर साहब थैंक यू। और इसके साथ साथ हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनका बेहद शुक्रिया कि वो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं। फेसबुक पे आप हमारे फेसबुक पेज पे बख्शिश रमजान के पेज पे अपना फीडबैक दे सकते हैं, और यूट्यूब पे आप माई टीवी से हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उस पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। एम डॉट ट्रैवल्स एस एस ऑर्थो केयर, सबका बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ रहते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। कहते हैं ना कि फ्रंट कैमरा पे तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन बैक भी कैमरा एक बहुत बड़ी टीम होती है। और जैसा कि हमने लास्ट ईयर किया था, हम इस साल भी इंशाल्लाह अपने लास्ट प्रोग्राम में अपनी पूरी टीम जो कि बैक दी कैमरा काम करती है उनसे आपका इंट्रोडक्शन जरूर कराएंगे। और मैं ये कहूंगा बिल्कुल कि जाते जाते ऐसे ही नहीं जाएंगे हम, बिल्कुल लास्ट में अमन कवत के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा को-होस्ट मतलब आपसे कि आप मनकबत मौला अली पेश करेंगी और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा इख्तिताम करें। बहुत शुक्रिया सलमान, बिल्कुल जी, जाते रहते मैं मनकबत जरूर सुनाऊंगी, लेकिन आज के लिए मुझे सलमान और बख्शिश रमजान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही तो एक और प्रोग्राम के साथ होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह No!